ओम एम ए उत्तरार्ध के सभी छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम आपको धन्यालोक, जो कि आनंद वर्धनाचार्य के द्वारा लिखित है, ध्वनि का एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है, उसके विषय में संक्षेप में बताकर और उसके बाद ध्वन्यालोक का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ध्वन्यालोक नाम का जो ग्रंथ है उसकी भौतिक संरचना क्या है। संक्षेप में बताते हुए कह देता हूं कि ध्वन्यालोक चार उद्योतों में विभक्त है और प्रत्येक उद्योत में ग्रंथकार ने सबसे पहले कारिका लिखी है, उसके बाद में उसकी वृत्ति लिखी है और वृत्ति के बाद में उन्होंने अपना उदाहरण दिया है जिसके द्वारा वह अपनी बात को सिद्ध करता है। तो कुल मिलाकर ध्वन्यालोक तीन भागों में विभक्त है, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। इन तीनों में से कारिका और वृत्ति जो भाग है, ये दोनों भाग आचार्य आनंद वर्धन के ही हैं। उदाहरणों को उन्होंने विभिन्न ग्रंथों से ग्रहण किया है, यह हमें पहले समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अब संक्षेप में आनंद वर्धन, संक्षेप में आनंद वर्धन को के बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि आनंद वर्धन कौन है, कहाँ के हैं, कब हुए। आनंद वर्धन कश्मीर में हुए थे और कश्मीर नरेश अवंती वर्मा की सभा के पंडित थे और बहुत विख्यात थे। अवंती वर्मा ने उन्हें राजानक की उपाधि से भी सुशोभित किया था और जो प्रायः कश्मीर नरेश अपने सभा पंडितों को देते थे यह उपाधि, अर्थात जो राजानक की उपाधि है प्रायः वो देते थे। जाति से ये ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम नौणोपाध्याय था। ध्वन्यालोक की एक पांडुलिपि में तीसरे उद्योत के अंत में उन्होंने स्वयं को नौणसुत कहा है। काव्यानुशासन में पंडित हेमचंद्र ने टीका करते हुए आनंद वर्धन के देवी शतक का उल्लेख किया है और इनको नौणसुत कहा है। देवी शतक के 101वें श्लोक में आनंद वर्धन ने स्वयं को नौणसुत कहा है। देव्या स्वप्नोद्गमादिष्ट देवी शंकर संज्ञया देशितानुपमानाधातो नौणसुतो नृतिम, ये वहां पर उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार से ये नौणसुत है तो इसका मतलब इनके पिताजी का नाम नौणोपाध्याय था। अस्तु, यह ध्वन्यालोक और उसके रचयिता आचार्य आनंद वर्धन का संक्षिप्त सा परिचय था। इन्होंने जो छह संप्रदाय हैं हमारे काव्य शास्त्र में, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, उनमें यह जो इनका जो सिद्धांत है वह है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय ने पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों को आत्मसात कर लिया, अर्थात स्वयं में इन्होंने तिरोहित कर दिया, किसी का भी तिरस्कार नहीं किया अपितु ध्वनि की सिद्धि के लिए उनको अंग बना दिया। इस कारण से ध्वन्यालोक में जो ध्वनि है उसकी स्थापना हो सकी और आगे के आचार्यों ने इसके ऊपर विस्तार से, जैसे आचार्य आनंद वर्धन है, अपने मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं, इन्होंने ध्वनि पर विस्तार से लिखा है। तो आनंद वर्धन ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं और उनका ध्वनि स्थापक जो ग्रंथ है उसका नाम है ध्वन्यालोक,
जो कि चार उद्योतों में विभक्त है। आपके सिलेबस में प्रथम उद्योत है। आज हम इस प्रथम उद्योत के मंगलाचरण को प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण है स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दव त्रायंताम वो मधुरिपोह प्रपन्नार्तिच्छिदो नखा। इसका अन्वय है स्वेच्छा केसरिण मधुरिपोह स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दव प्रपन्नार्तिच्छिदः नखः वह त्रायंताम। नखः वह त्रायंताम, बात तो इतनी सी है, ये जो नाखून है आप सब लोगों की रक्षा करें, आप सब लोगों की रक्षा करें। तो मंगलाचरण है ये ध्वन्यालोक का। प्राचीन परंपरा है कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते च मंगलम कुर्यात्, अर्थात ग्रंथ रचना के आदि में मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने से ग्रंथ रचना निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाती है, इस प्रकार की आशा की जाती है। और जो मंगलाचरण युक्त ग्रंथ होता है उसके अध्येता का भी कल्याण होता है, मंगल होता है, यह अभियुक्तोक्ति है। और यह मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पर जो मंगलाचरण किया गया है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि नृसिंह भगवान के नाखून आप लोगों की रक्षा करें, यह वाक्य आशीर्वाद के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। त्रायंताम पद में लोट लकार आशीष लिंग लोटो इस पाणिनि सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में ही हुआ है। इस प्रकार से मंगलाचरण की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए आचार्य आनंद वर्धन ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है। मैं एक बार पुनः इस मंगलाचरण का अर्थ आपको बता देता हूं। स्वेच्छा के सरिण अपनी इच्छा से सिंह बनने वाले, किसी दूसरे की प्रेरणा से नहीं, स्वयं की इच्छा से ही, स्वस्य इच्छा इति स्वेच्छा, अपनी इच्छा ही स्वेच्छा कहलाती है। तया केसरी इति स्वेच्छा केसरी, तया इति स्वेच्छा केसरिणः, तस्य इति स्वेच्छा केसरिणः। तो अपनी इच्छा से सिंह बनने वाले, मधुरिपोह मधु नामक जो दैत्य है, राक्षस है, उसकी शत्रु अर्थात भगवान विष्णु, उनके मधोह रिपु इति मधुरिपोह तस्य इति मधुरिपोह, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो तस्य इति मधुरिपोह अर्थात मधु नामक जो राक्षस है, उस राक्षस के जो शत्रु है अर्थात भगवान जो विष्णु है, स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन दवा, अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को ठेस पहुंचाने वाले, स्वस्य छाया इति स्वच्छाया, स्वच्छा चेयम स्वच्छाया इति स्वच्छ स्वच्छाया, स्वच्छ स्वच्छाया आयासितः इंदु यही ते इति स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन दवा। यह पद नखाह का विशेषण है जो श्लोक में मंगलाचरण श्लोक में आया है। नखाह पद उसका यह विशेषण पद है, वह विशेष्य है। प्रपन्नार्तिच्छिदः, वे जो नाखून है वे कैसे हैं नाखून, तो उनके लिए एक विशेषण और दिया है कि भक्तों या शरणागतों की पीड़ा का हरण करने वाले। प्रपन्ना नाम आरति ही इति प्रपन्नार्ति ही, प्रपन्नार्तिम छिंदन्ति ये ते प्रपन्नार्ति छिदः, अर्थात शरणागतों के कष्टों का निवारण करने वाले, उसको दूर करने वाले। यह भी जो नखाह शब्द है उसका विशेषण है। तो इस प्रकार यह जो मंगलाचरण है इसका अर्थ हुआ कि अपनी इच्छा से सिंह का स्वरूप धारण करने वाले,
भगवान विष्णु के उज्जवल अपनी कांति से चंद्रमा को लज्जित करने वाले तथा शरणागतों के कष्ट को काटने वाले नाखून आप सब लोगों की रक्षा करे। ये आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है ऐसा यहां पर हमें समझ लेना चाहिए। दुनियालोक पर अभिनव गुप्त ने लोचन नाम की एक टीका लिखी है। तो अभिनव गुप्त अपनी लोचन नामक टीका में लिखते हैं कि श्लोक में रस, वस्तु और अलंकार के भेद से तीन प्रकार की ध्वनि प्रकट होती है। अर्थात ध्वनि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, रसद ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। इस श्लोक के अंदर उन्होंने कहा है कि तीनों प्रकार की ध्वनियां हैं। कैसे? तो कहा कि जैसे भगवान मधुरिपु अपने नखों द्वारा त्राण कार्य में नित्य उद्योगशील है एवं उनमें किसी प्रकार का सम्मोह नहीं है, तथा उन्होंने यही अध्यवसाय यह निश्चय भी कर लिया है, इस प्रकार यहां उत्साह की प्रतीति होती है और उत्साह ही वीर रस का स्थायी भाव होता है। अतएव यहां वीर रस की व्यंजना होती है, वीर रस ध्वनित होता है। यह तो रसद ध्वनि हुई। रसद ध्वनि में रस नौ प्रकार के हैं, तो उनमें वीर रस यहां पर ध्वनित हो रहा है। फिर इस श्लोक में आए विशेषणों में ध्वनित वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे नखों के विशेषण के रूप में कहते हैं कि प्रपन्न जनों की आरती का छेदन करने वाले, नख का उचित कार्य छेदन ही होता है, काटना ही होता है। भगवान के प्रपन्न प्रह्लाद आदि जो भक्त हैं उनके आरती प्रद होने के कारण आरती के मूर्त रूप उस हिरण्यकशिपु का नखों द्वारा छेदन ही यहां अभिष्ट है। ऐसी स्थिति में भगवान की परम कारुणिकता अभिहित हो जाती है। जो प्रस्तुत विशेषण का मुख्य तात्पर्य है, फिर नख का एक दूसरा विशेषण और है, स्वच्छता और अपनी छाया से इंदु को भी आयासित करने वाली, चंद्रमा जो है उसको भी लज्जित करने वाले। क्योंकि नृसिंह के नख अपनी निर्मलता से एवं वक्र और सुंदर रूप वाली आकृति से चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले हैं, अतः यहां अर्थ शक्ति मूल ध्वनि से चंद्रमा का बालत्व ध्वनित होता है, अर्थात चंद्रमा उसके सामने बच्चे के समान है। इस श्लोक में अलंकार ध्वनि भी है। इसका निर्देश करते हुए जो लोचनकार हैं उन्होंने लिखा है कि एक तो बाल चंद्रमा को इस बात का खेद है कि नरसिंह के नाखून जैसी स्वच्छता और वक्रता उसमें नहीं है, और इस विषय में यदि किसी प्रकार दोनों की समानता भी हो जाए तो भी बालचंद्र को यह दुख तो रहेगा कि नृसिंह के नख जैसे प्रपन्नजनों की आरती दूर करने में समर्थ हैं, शरण में आए हुए लोगों का कष्ट दूर करने में जैसे वे समर्थ हैं वैसा मैं नहीं हूं। इस प्रकार उपमान भूत बाल चंद्रमा से उपमेय भूत नखों के आधिक्य की प्रतीति होने से व्यतिरेक नामक अलंकार यहां पर ध्वनित होता है। और यहां उत्प्रेक्षा एवं अपन्नति अलंकारों का अंगांगी भाव रूप संकर भी ध्वनित होता है, क्योंकि यहां उत्प्रेक्षा यह है कि मानो बाल चंद्रमा अपने में नृसिंह के नाखूनों की विशेषता की कमी का अनुभव करके निरंतर खेद का अनुभव करता है, तथा अपन्नति इस प्रकार है कि बाल चंद्रमा समझता है कि लोग मेरे साक्षात विद्यमान रहते हुए भी उन्हीं नाखूनों को बहुमान या गौरव से देखते हैं, मुझे नहीं देखते गौरव से। किंतु यहां उत्प्रेक्षा अपन्नति के बल पर होती है, क्योंकि जब लोग बाल चंद्रमा को बाल चंद्रमा न समझकर नाखूनों को बाल चंद्रमा का गौरव देते हैं
तभी बाल चंद्रमा का खिन्न होना संभावित होता है। तो इस प्रकार इस मंगलाचरण में तीनों प्रकार की ध्वनियां हैं, अर्थात रसद ध्वनि भी है, अलंकार ध्वनि भी है और वस्तु ध्वनि भी है। प्रिय बच्चों, आज हम इस मंगलाचरण को ही यहां पर संपन्न कर पाएंगे। कल हम पुनः इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, इस ग्रंथ पर आगे चर्चा करेंगे और आगे का जो विषय है उसको हम लेंगे। तब तक जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।